जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में समझेंगे और 5 से 10 मिनट में हम लोग सारी नदियों का निचोड़ जो कि हमारे वनडे एग्जाम यूपीपी हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, मेजर क्वेश्चंस होते हैं और वो हमारे गलत हो जाते हैं, आइए इन क्वेश्चंस को कैसे हमें टैकल करना है और कैसे इनके आंसर देने हैं देख लीजिए। अगर ये सारे वीडियोस आप कवर कर लिए, ऐसे वीडियो सारे कवर कर लिए, तो ये समझ जाइए आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि साथियों यहां पर बोर्ड पर बना हुआ है, दक्षिण भारत की नदियां भी हैं, उत्तर भारत की नदियां भी हैं। उत्तर भारत की नदियों में देख रहे हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और साथियों ये सदा नीरा नदियां हैं क्योंकि ये ग्लेशियल से भी जल प्राप्त करती हैं और हमारे भारत में जब मानसून आता है तब भी जल प्राप्त करती हैं। जबकि साउथ इंडिया की जो रिवर हैं, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से से जो नदियां निकलती हैं, वो किसी ना किसी मौसम में सूख जाती हैं, सिवाय कावेरी नदी के, क्योंकि कावेरी नदी आने वाले मानसून और जाने वाले मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, अब हम एक नजर में अगर देखें तो जैसा कि लूनी नदी है साथियों, इसे राजस्थान, ये देख रहे हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, राजस्थान की गंगा इसे कहा जाता है, अंतरवाही नदी है। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, इस पे नहीं बेस्ड है, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रख लीजिए बेटा, राजस्थान की इसे गंगा कहा जाता है और अंतरवाही यानी कि जमीन के अंदर फ्लो करने वाली नदी है। नर्मदा की बात करें तो याद रखिएगा पूरे के पूरे साउथ इंडिया में यही मात्र एक ऐसी नदी है जो कि सबसे बड़ी है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, ये नर्मदा। और आपको बता दे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक रेखा का काम करती है ये नर्मदा। पश्चिम की तरफ प्रवाहित बड़ी नदी है, धुआंधार वाटरफॉल इस पर बना हुआ है एमपी में, भ्रंश घाटी में नर्मदा और तापी दामोदर ये तीन नदियां फ्लो करती हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है, मैंने अपने क्लास में अच्छे से बताया हुआ है। तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी यानी कि जहां की जमीन नीचे धस जाती है, ओवरऑल ऐसा समझ जाइए जहां की जमीन नीचे धस जाती है, अगल बगल के भाग खड़े होते हैं, उस एरिया को भ्रंश घाटी के नाम से पुकारा जाता है, जो भाग नीचे धस चुका है। तो याद रखिएगा नर्मदा, तापी और दामोदर तीन ऐसी नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में फ्लो करती हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी फ्लो करती है, नर्मदा, तापी, दामोदर। और याद रखिए साथियों, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होंगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी और वो डेल्टा नहीं बनाएंगे, वो अपने मुहाने पर सेडिमेंट अवसाद नहीं जमा करते हैं। यही कारण है नर्मदा, तापी, ज्वार नदमुख, इंग्लिश में बोले तो एश्चुरी का निर्माण करते हैं। ये क्लियर हो गया यहां से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें और इंक्लूड कर लीजिएगा, माही नदी साथियों ऐसी है जो कर्क रेखा को दो बार कट करती है। भारत की एक नदी माही है जो कर्क रेखा को कट करती है, क्योंकि आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा कर्क रेखा को दो बार कट करने वाली नदी माही है। साथियों इधर देखिए, गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से पुकारा जाता है। कृष्णा नदी की बात करें साथियों, ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। साथियों इसकी पंचगंगा, दूध गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्यों ये पूछता है, क्योंकि वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी की है, तो पंचगंगा, दूध गंगा किसकी है, कृष्णा की है। इसलिए ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, ध्यान में रखिए। ये वीडियो केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि एग्जाम इस समय यूपीपी के चल रहे हैं और रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं केवल जो मेन क्रक्स है, मेन जिस्ट है नदियों का, वही मैं बता रहा हूं। नहीं तो कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, कौन कौन से इस पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उन सब की तो क्लास मैंने डिटेल में कराई ही है। जो बूस्ट मैंने, मतलब ये एग्जाम बूस्टर है। एग्जाम बूस्टर का मतलब एग्जाम देने जाए तो एक बार देख लें इसको। वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी विवाद याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए बे आप बंगाल में जा गिरती है। ये देखिए कावेरी, आपसे पूछा जाता है कावेरी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण भारत की अगर सदा नीरा कोई नदी है, पेरिनियल रिवर है, तो साथियों वो कावेरी है। अब तीन डैम की बात करते हैं। टिहरी जो की सबसे ऊंचा डैम है, भारत का सबसे ऊंचा डैम, यहां भाभी याद रखना, भागीरथी भीलांगना के संगम पर है। और याद रखिएगा ये उत्तराखंड में है साथियों, उत्तराखंड में है।
तिहरी भाभी याद कर लेना, भागीरथी भीलंगना भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जबकि हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है साथियों, सबसे लंबा डैम है लंबाई में, महानदी पर है, याद रखिएगा महानदी पर है हीराकुंड डैम। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा डैम है। और आपको बता दें पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश ये चार राज्यों को लाभ पहुंचाता है ये भाखड़ा नांगल डैम, याद रखिएगा। तो भाखड़ा नांगल हीराकुंड और टिहरी डैम क्लियर हो गया, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम इंडस जो हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो जैसे गंगा है साथियों 25-25 किलोमीटर इसकी हर कोई जानता है इसकी लंबाई है साथियों, भारत के पांच राज्यों से होकर निकल रही है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल। ये पूछा जाता है कि बताइए गंगा कौन से राज्य से होकर नहीं जाती, तो आपको यही आंसर देना है यूपी के 29 जिलों से होकर बहती है, जबकि वहीं पर अगर हम यमुना की बात करें 18 जिलों से होकर बहती है। एंट्री बिजनौर से होती है, बलिया से आउट होती है यानी कि बलिया से बाहर होती है। लॉन्गेस्ट वाटरवे 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया साथियों इसी पर बना हुआ है, प्रयागराज अपने यूपी में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है भारत का और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। सिंधु की बात करें साथियों झेलम चिनाव रावी व्यास सतलज इसकी सहायक नदी है, इसको आप पढ़ सकते हैं JCRBS, याद रखिएगा। साथियों सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, ये बार बार क्वेश्चन बन जाता है इसलिए याद रखिएगा। सलार दुलहस्ती बगलिहार ये ऐसे याद कर सकते हैं दूल्हे का साला बगल में बैठा है, कुछ इस तरीके से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं दूल्हे का साला बगल में बैठा है, ये कौन सी नदी पर है चिनाव। और साथियों झेलम की एक सहायक नदी किशन गंगा है, इस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो पूछा जा सकता है ये झेलम और किशन गंगा के संगम पर बना है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है। JCRBS याद रखिएगा झेलम जम्मू कश्मीर के बैरीनाथ से निकलती है, और साथियों CRB ये चिनाव रावी ब्यास है, CRB ये नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, चिनाव बारालाचा पास से निकलती है दर्रे से, रावी रोहतांग पास से निकलती है, और जो ब्यास नदी है वो व्यास कुंड से निकलती है, याद रखिएगा ये बैरीनाथ झील से व्यास कुंड से रोहतांग दर्रे से और चिनाव जो है बारालाचा दर्रे से निकलती है। सतलज तिब्बत के राकस ताल झील से निकलती है, ये चीज याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपसे प्रयाग से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे पूछा जाए विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग, समझिए साथियों यही सीक्वेंस है, ठीक है यही सीक्वेंस है विष्णु नंद कर्ण और रुद्र और देव प्रयाग। अब देव प्रयाग किससे मिलकर बना है, ये तो मेन एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा के संगम पर अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा और पिंडर के संगम पर कर्णप्रयाग है, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर नंदप्रयाग है, अलकनंदा और साथियों धौली गंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग है। आप याद कर सकते हैं जैसे देवप्रयाग ये तो सबको याद रहता है, रुद्रप्रयाग याद कर लीजिए, पिंडर जैसे कर्ण बहुत बड़े दानी थे तो पिंड दान किया होगा ऐसे कुछ याद कर सकते हैं पिंडदान, तो याद रख लीजिए कर्ण प्रयाग से। पिंडर जब नदी अलकनंदा में मिले कर्ण, एक नदी तो कॉमन है ना भाई अलकनंदा, मिल कौन सी नदी रही है पिंडर, तो याद रहेगा पिंडर से। नंदाकिनी से नंद प्रयाग याद ही रहेगा, और धौली गंगा विष्णु जी के पैर कौन धुलती है गंगा जी, तो धौली गंगा विष्णु विष्णु धौली गंगा के संगम पर बना है। ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियां हैं साथियों, बार बार एग्जाम में आ जाता है, धनसिरी सुबनसिरी लोहित और मानस है, नसीड़ी करके याद रखो, सुबनसिरी सुबनसिरी और धनसिरी सुबनसिरी लोहित और मानस, ये ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है साथियों। लोहित को खूनी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, रीजन ये है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है इसीलिए इसका कलर थोड़ा रेड हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी के अन्य नाम आपको याद रखने हैं जैसे यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहलाता है, जमुना बांग्लादेश में कहलाता है, ब्रह्मपुत्रा असम में कहलाता है, दिहांग असम में कहलाता है, ये याद रख लीजिएगा। दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां से गलती से लिख दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो मेन मेन टॉपिक है उसका मैं वीडियो ला रहा हूं, आप प्लीज उसे देख लीजिए और एग्जाम जाते समय एक बार उसे जरूर रिवाइज करिए। थैंक यू साथियों।